अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सलेहम अल हाजरी कंपनी की ये गाड़ी है। एक दिन हम लोग, काफ़ी टाइम पहले की बात है, कम से कम 2 महीने पहले हम लोग खाना खा रहे थे तबूक में। ये तो हमारे पास में ये खड़ी थी गाड़ी बगल में, तो मैंने सोचा कि यार इसकी ना तस्वीर बना लेता हूँ और बाद में इस पर वीडियो बनाऊँगा कि अगर कोई इस कंपनी में ड्राइवर काम करता है तो वो हमसे रब्ता करे, हमारे साथ वीलॉग बनाए अच्छा सा और अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर करें, थोड़ी मालूमात दें इस कंपनी के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कौन कौन सी मशीनरी है, इसका क्या क्या काम है। वैसे तो ये इनके पास हत्थे तो हैं, वो तो मुझे मालूम है, ये प्लास्टिक दाना पर भी चलते हैं, हदीद पर भी, लोहे पर भी चलते हैं, तो इससे काफ़ी आगे की जो तफसीलात होती हैं वो हमें, मुझे मालूम नहीं थी, तो मैंने तो कुछ तस्वीर बनाकर अपने पास रखी थी। अभी एक इंडिया से एक दोस्त के कमेंट, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों के कि भाई यार अमानुल्लाह भाई, एक कंपनी की सलेम अल हाजरी है उसकी वीडियो बनाएं आप। तो फटाफट तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि जब तक तो कोई जानने वाला ना हो तो भाई उसमें तो बंदा वीडियो नहीं बना पाता, तो ये चक्कर है यार। तो माफ़ कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ तस्वीर थी, जैसा कि आप सामने इसके साथ ट्रेलर भी देख सकते हैं और आगे गाड़ी भी देख सकते हैं, जर्मन की ये गाड़ी है। बाकी इसका सैलरी सिस्टम का कुछ खास अभी पता नहीं है, बहरहाल ये फाइनल अगर मैं आपको बता सकूं तो ये कंपनी माशाल्लाह अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और लंबा चौड़ा इसका काम है। आज से 3-4 साल पहले भी मेरा भाई भी जंबो में होता था एक, तो उनके साथ ये लोग खाली करते थे, लोड करते थे, सऊदी अरब से बाहर भी इनकी गाड़ियाँ जाती हैं, यानी कि ना सिर्फ सऊदी अरब में चलती हैं लोकल सतह पर, सऊदी अरब से बाहर भी, यानी कि इंटरनेशनल, और यहाँ पर उनको ट्रांज़िट कहते हैं, यानी कि एक में लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ये माल लेके जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो कुछ मुझे मालूम था मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर इसमें कुछ कमी बेशी हो गई हो तो नाराज़गी माफ़। अगर इस कंपनी का कोई ड्राइवर अगर इस वीडियो को भी इस टाइम देख रहा है तो हमारे साथ रब्ता करें, हमारे साथ वीलॉग बनाए अच्छा सा, तबूक में या अलजोफ में कहीं भी आए वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है, हम खुद उनसे रब्ता कर लेंगे। तो इजाज़त दीजिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी, अल्लाह के पास।